माँ की सेहत का कौमी इदारा पेश करता है ममता की हिफाजत। करीमा, क्या बात है? काम में दिल नहीं लग रहा है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ जी, हमें क्या होना है? मियाँ से लड़ाई हुई है क्या? या फिर जी बेगम, 2 महीने चल गए हैं, बहुत कहा पक्का काम करा लूं, मगर वो मानता ही नहीं। मेरे पास लेकर आना उसे, मैं समझाऊंगी। बड़ी बेगम, आपको शर्म नहीं आएगी? शर्म किस बात की, ये तो अकल की बात है। इंसान को उतना ही बोझ उठाना चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर सके। अच्छा बड़ी बेगम, सारा काम हो गया, अब मैं चली। हाँ करीमा, कैसे आना हुआ? ऐसी सोचा मिलती चलो। चल हट, आज से पहले काम के बगैर तो कभी आई नहीं। अच्छा समझ गई, अब के जोड़ा लूंगी बेटी होने पर, आओ देखू तुम्हें। अरे नहीं खाला, बस एक बेटी ही काफी है, एक काम है तुमसे। अच्छा बैठो तो सही। हाँ बोलो। मेरे दिन चढ़ गए हैं, सफाई करवानी थी, वो जिस तरह हमीदा की थी ना तुमने। अरे कैसी बातें कर रही हो, अभी तो बेटों की क्रिकेट टीम बना लिया तुमने। अरे नहीं खाला, बस बहुत हो गया 5 बच्चों का पालना, मुझ पर अब मेहरबानी करें। अच्छा कब आओगी? कल ही आ जाओ, मैं बच्चों को आपा नसीमा के घर भेज दूंगी। ठीक है, 10-11 बजे तक आ जाऊंगी। चलो चल जल्दी, चलो 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 बेटा। अमीना तुम जरा इन्हें लेके जाओ और जल्दी से आ जाओ, लड़ना नहीं। खाला मेरा दिल बैठ रहा है, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। आए हाय कैसी बातें कर रही हो, मेरे तो ये बाएं हाथ का काम है। कितनी हैं जो पूरे पेट बच्चे पैदा करती, 2 मिनट लगेंगे, चलो अंदर। अच्छा कल से मैं काम पर तो जा सकूंगी ना, वरना बड़ी बेगम नाराज हो जाएंगी। वो कह रही थी कि अगर मुझे काम करवाना है तो मैं इन्हें बताऊं। हाँ हाँ चली जाना, चलो अंदर, बड़ी बेगम की बड़ी बात है। हाँ
क्या हुआ? कहीं मैं छू चुकी थी? अरे कुछ नहीं, छोड़ते देती है ना। तो ठीक तो है ना? हाँ हाँ। पानी में उबाल के छान के पिला देना, उससे सारी गंदगी निकल जाए। मैंने अंदर भी दवाई रख दी। फिक्र मत करो, मैं कल आ जाऊंगी। करीमा, 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 आज करीमा की तबीयत ठीक नहीं है। खैरियत? आज दाई हाल आई थी, इसका भी सफाई कराई है। जब से दर्द में तड़प रही हो, मैं तो कहती हूँ अस्पताल ले चले। चलो देखते हैं, चलते। करीमा, करीमा, खैरियत है करीमा? क्या हुआ? ओहो, इसकी हालत तो वाकई बहुत खराब लगती है। मैं अभी सवारी का इंतजाम करता हूँ, तुम घबराना नहीं। करीमा, मैं भी आया, घबराना नहीं करीमा, मैं भी आता हूँ, घबराना नहीं, घबराना नहीं करीमा। Thank you.
कल रात करीमा बेहोशी की हालत में अस्पताल लाई गई, उससे बॉर्शन कराने की कोशिश की थी। दाई ने जो भी तरीका, जो औजार इस्तेमाल किए, उससे करीमा की बच्चेदानी में सुराख हो गया, उसकी अंतड़ियां बाहर लटक आई। हमने उसका ऑपरेशन किया, उसे खून चढ़ाया, उसकी जिंदगी बचाने की हर कोशिश की, मगर उसे ना बचा सके। अगर मियाँ बीवी आपस में मशवरा करके खानदानी मनसूबाबंदी के तरीके इस्तेमाल करते तो करीमा को बगैर ख्वाहिश हमल ना ठहरता। करीमा उन हजारों औरतों में से एक थी जो बच्चे गिराने की कोशिश में अपनी जान खो बैठती है। हमल गिराने की कोशिश जान का जुआ है। हमारे मुल्क में हजारों औरतें हर साल हमल गिराने की कोशिश में जान खो बैठती है। याद रहे, बच्चों के दरमियान वक्फा माँ बाप की जिम्मेदारी है। मियाँ बीवी को चाहिए कि बाहमी मशवरे से खानदानी मनसूबाबंदी के तरीके इस्तेमाल करें। हमल के दौरान खतरे की निशानी: वजन का बहुत ज्यादा बढ़ना या कम हो जाना, खून आना, यानी हमल के दौरान किसी भी वक्त खून आना, चाहे एक धब्बा ही हो, दौरे पड़ना, सर का शदीद दर्द, ज्यादा वर्म खुसूसन हाथों या चेहरे पर। ऐसी सूरत में वक्त जाया किए बगैर फौरन सेहत मरकज जाकर दिखाएं। जचगी के दौरान खतरे की निशानियां: दर्द शुरू होने के 12 घंटे के अंदर अंदर बच्चे की पैदाइश न होना, पैदाइश के बाद ज्यादा खून आना, बच्चे की पैदाइश के बाद माँ को बुखार हो जाना, जचगी के दौरान या बच्चे की पैदाइश के बाद माँ को दौरे पड़ना। याद रखिए, हर माँ को हमल के दौरान 3 बार मुआयना करवाना जरूरी है। तिब्बी मुआयना डॉक्टर के अलावा मिडवाइफ, लेडी हेल्थ विजिटर और लेडी हेल्थ वर्कर से भी करवाया जा सकता है।